अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा हुआ तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश और दुनिया के दिग्गज इसके साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भी पूरा देश राममय है। देश भर में दीपोत्सव मनाया गया। आज से राम मंदिर आम लोगों के दर्शनों के लिए खुल जाएगा, जिसे लेकर राम भक्त उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन राम भक्तों की ये खुशी पाकिस्तान की आंखों में चुभ रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उसे नागवार गुजर रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को तो इससे मिर्ची लग गई है। इस पवित्र मौके पर उसने जो बयान जारी किया उससे उसकी बौखलाहट झलक रही है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। बीते 31 सालों के घटनाक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। पाकिस्तान में इतिहास में सियासत में लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं। वहां फौजी बूटों तले जमहूरियत कई बार कुचली जा चुकी है, तो हर चुनी गई सरकार फौजी हुक्मरानों की कठपुतली होती है। वही पाकिस्तान राम मंदिर पर दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है, जिसमें उसने कहा कि मस्जिद की जगह पर बना राम मंदिर भारत के लोकतंत्र पर लंबे समय तक धब्बे की तरह रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह सहित ऐसी मस्जिदों की सूची बढ़ती जा रही है जिन पर खतरा बना हुआ है। भारत में हिंदुत्व विचारधारा की तेज लहर सांप्रदायिक सौहार्द और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन गई है। पाकिस्तान जहां राम मंदिर पर रोना रो रहा है, उसे मजहबी जामा पहनाकर नफरती बयान दे रहा है, वहीं दुनिया के बाकी देशों में इसे लेकर अलग ही तरह का क्रेज है। और तो और, अरब देश यूएई की मीडिया में भी इसका गुणगान हो रहा है। गल्फ न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी का अयोध्या के हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मोदी की एक छत्र लोकप्रियता और उन्होंने भारत को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसका पूरा हिंदुस्तान कायल है। देश की आर्थिक विकास दर 7% से ज्यादा है और इसका स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में भी राम मंदिर को लेकर खूब खबरें छपी हैं। एनबीसी न्यूज ने कहा, अयोध्या में बना मंदिर राम का मंदिर है, जो प्रमुख हिंदू देवता है। ये मंदिर 30 लाख आबादी वाले शहर अयोध्या की काया पलट कर उसे एक पर्यटक स्थल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं एबीसी न्यूज ने लिखा, बीजेपी दशकों से मंदिर बनाने की वकालत करती रही है और इसका उद्घाटन हिंदू बहुल भारत में मोदी की जीत के पक्ष में जाएगा। भारत की तरह ही मॉरिशस, जहां की आधी आबादी हिंदू है, वहां हिंदू सरकारी कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी दी गई ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देख सके। रूस में भी राम मंदिर सुर्खियां बटोर रहा है। रशिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अयोध्या में राम मंदिर के बनने से शहर की काया पलट हो गई है। भगवान राम के जन्म स्थान में अब बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ रहा है और जमीन की कीमतें आसमान छू रही है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, कतर, नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में भी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की
खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।